आज हम आपके लिए जो HVAC से रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं, लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी, ये आपके सामने कंट्रोलर है, हमने इसको इंस्टॉल किया था। तो एक दोस्त ने रिक्वेस्ट की थी कि इसके बारे में डिटेल दी जाए कि हमने ये जो वायर्स हैं कितनी वायर्स हैं, सेंसर्स के बारे में और इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो किस तरीके से होती है, उसके अलावा इसको हम किस तरीके से कनेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस कंट्रोलर को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं। आपको पता है कि हम कूलिंग टावर में पानी को ठंडा करते हैं। कूलिंग को पानी किस मकसद के लिए ठंडा करते हैं, उसके ऊपर मेरी एक कंप्लीट वीडियो बनी हुई है कि कूलिंग टावर ये कैसे काम करते हैं। अभी आप इस कंट्रोलर के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं इसके बारे में डिटेल देना चाहता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले दो तीन बातें जो आप अपने जहन में रख लें कि जो पानी होता है कूलिंग टावर में ठंडा करते हैं चिलर में लेके जाने के लिए, वो एक चिलर में आपको पता है कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर दिया जाता है कि भाई इतना टेम्परेचर आपका चिलर में आना चाहिए, इससे अगर ज़्यादा ठंडा होगा तो वो आपके चिलर के लिए एक डेंजरस चीज़ है। तो अब हम अगर ये कंट्रोलर इस्तेमाल नहीं करते तो हमें ये सारा काम मैनुअली करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर हम इसको मैनुअल ऑन कर देते हैं तो शदीद गर्मी है, गर्मी दिन के टाइम गर्मी ज़्यादा होती है, तो फ़ैन आपके 5 फैन चल रहे हैं जो हमने इस्तेमाल किया है, तो गर्मी के मौसम में तो वो आपके फ़ैन 28 सेंटीग्रेड अगर आपके चिलर का इन टेम्परेचर है तो वो 28 टेम्परेचर पे ले आएंगे, लेकिन जैसे ही धूप वगैरह कम होगी, गर्मी कम होगी, तो वो 5 फैन चलते रहेंगे क्योंकि मैनुअल चलाए हुए हैं। तो मैनुअल चलाने के बाद वो पानी का जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा डाउन होना शुरू हो जाएगा और रात को वो मज़ीद डाउन हो जाएगा, जो आपके चिलर के लिए डेंजरस चीज़ है। तो इस मकसद के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब रह गई बात वायर्स कितनी हैं, इसकी टोटल वायर्स हैं जो 7 वायर्स हैं इससे आउट हो रही हैं इसकी वायर है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हमने इस कंट्रोलर को ऑन करना है तो इसके ऊपर आपको पता है कि जो जितने भी कंट्रोलर होते हैं वो 24 वोल्ट की सप्लाई के ऊपर ऑपरेट होते हैं। हमने इसको 220 की सप्लाई दी, सप्लाई देने के बाद हमने इसके ऊपर एक ये आपके सामने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया जो हमारे 220 की सप्लाई को 24 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा, उससे हम इसके कंट्रोलर को ऑन कर लेंगे। अब जब हमारा कंट्रोलर ऑन हो गया, अब कंट्रोलर के अंदर जो नेक्स्ट स्टेप है वो है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग हमने इसको क्या दिया है, आपको पता है कि प्रोग्रामिंग यही होती है जो आपकी डिमांड होती है। डिमांड से यहाँ पे क्या मुराद है, डिमांड से इसकी यही मुराद है कि हमारे चिलर में 28 से ज़्यादा डाउन टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए, 28 से डाउन टेम्परेचर नहीं जाना चाहिए। तो इसी डिमांड को सामने रखते हुए इसकी प्रोग्रामिंग की गई है, या जो भी सेट पॉइंट देंगे वो इसकी डिमांड है कि भाई अगर 28 से डाउन टेम्परेचर जाएगा तो हमारे फ़ैन बंद हो जाएंगे। जैसे 28 होगा तो हमारा फ़ैन नंबर 1 ऑन हो जाएगा, 29 होगा तो 2 ऑन हो जाएगा, 30 होगा तो 3 हो जाएगा, 3 नंबर फ़ैन ऑन हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप जितना भी इसकी कैलिब्रेशन की होगी उसी हिसाब से इसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। अब इससे जो नेक्स्ट स्टेप है, जो वायर है, एक तो हो गई इसकी सप्लाई की वायर के हमने इसको 220 की सप्लाई देकर स्टेप डाउन करके उसको हमने ऑन कर लिया कंट्रोलर को। नेक्स्ट वायर है, एक ब्लैक वायर हमने इस्तेमाल की थी, वो सेंसर की वायर थी। सेंसर जाहिर सी बात है, आपका जो पानी ठंडा हो रहा है उसको सेंस करने के लिए एक सेंसर की ज़रूरत होती है, तो सेंसर की वायर वो हमारी ब्लैक वायर जो वायर सेंसर की वायर है। अब सेंसर ये कहाँ पर लगाया जाता है, जाहिर सी बात है हमने पानी का टेम्परेचर जो ठंडा हुआ है अगर से उसकी शावरिंग ट्रे में पानी है वो गर्म पानी जैसे ही आपके सब में है वो ठंडा हो चुका है, तो हमने उस पानी में सेंसर लगाना है। आप कूलिंग टावर के सब में भी सेंसर लगा सकते हैं, या आपकी जो कूलिंग टावर की लाइंस हैं चिलर से पहले पहले वो लाइंस में आप इस सेंसर को लगा लें जो सेंस करेगा, तो वो आपकी एक वायर आ गई सेंसर की। मैंने आपको बता दिया कि उसको आप कहाँ पर लगा सकते हैं। फिर उसके बाद 5 वायर जो रह गई हैं वो हमारे कूलिंग टावर के जो फ़ैन हैं उनकी समझ लें आपके कंट्रोलर की आउटपुट है जो आपके फैंस को ऑन करवाएंगी। अब ज़्यादातर जो लोग कंफ्यूज होते हैं ना वो इसी चीज़ में होते हैं कि आपने बताया कि 24 वोल्ट की सप्लाई हमने कंट्रोलर को दी, तो जो जारी सी बात है वो आउट भी मैक्सिमम 24 ही हो सकता है। तो भाई हमने जो इसकी जो रिलेज इस्तेमाल की है ना, जो 5 रिले है वो हमारी 24 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होती हैं, तो जैसे ही 24 वोल्ट के ऊपर रिले ऑपरेट होगी ना तो आपने इसको पहले सिलेक्टर स्विच को आपने ऑटो पे किया होगा, तो आपके 220 की सप्लाई आपकी रिले में नॉर्मल ओपन पॉइंट पे मौजूद होगी। यानी कि क्या मतलब कि जो रिले अनर्जाइज हो रही है, रिले में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, रिले में जो एक मैग्नेटिक बन रहा है वो 24 वोल्ट के करंट के ऊपर बन रहा है,
लेकिन जो उससे करंट पास हो रहा है वो हमारा जब इस सिलेक्टर स्विच के ऑटो के पॉइंट पे 220 की सप्लाई आपके रिले के एक पॉइंट पे गई है जो हमने उससे करंट पास करना है। जैसे ही आपकी रिले मेक हुई तो उसने आपकी 220 की सप्लाई को आपके मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में भेज दिया। आपको पता है कि ये जितने भी मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर होते हैं ये आपके 220 की सप्लाई पे ऑपरेट हो जाते हैं। हमारी जो मोटर्स हैं वो थ्री फेज की हैं तो थ्री फेज इससे पास हो रहा है, इसकी जो कॉइल है वो 220 की सप्लाई हो रही है, ऑपरेट हो रही है 220 की सप्लाई पे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की, तो ये जो पास कर रहा है ये करंट ये थ्री फेज को कर रहा है। तो थ्री फेज का करंट जैसे ही पास होगा आपका जो फैन होगा वो ऑन हो जाएगा। तो जैसे ही आपका टेम्परेचर ऐसा ऐसा पूरा होता जाएगा यानी कि आपके पांच फैन ऑन हो गए तो फिर क्या होगा, आपका टेम्परेचर जब डाउन हो जाएगा तो आपका फैन नंबर 5 बंद होना शुरू होएगा, 4 बंद होगा, फिर 3 बंद होगा, 2 बंद होगा, और 28 से जब नीचे पानी आएगा तो आपके जो तमाम फैन बंद हो जाएंगे। तो इसका यही एडवांटेजेस है कि भैया आपकी जो मेन पावर होती है आपका उसको ये सेव करने के लिए, भाई आप किसी भी टाइम अगर आप इसको ऑटो पे मैनुअल चला रहे हैं तो बंदा हर टाइम टेम्परेचर को नहीं दे सकता, किसी टाइम मिस्टेक भी हो सकती है तो आपका चिलर जो होता है वो डैमेज होने का खतरा होता है। तो इसलिए ये इस कंट्रोलर का हम इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि HVAC से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करते जाएँ वो आपको नोटिफिकेशन में मिलती जाए।